फ्रेंड्स, ये वीडियो फ्लाइटों के लेटेस्ट अपडेट पर रहने वाला है कि फ्लाइटें मौजूदा हालात को देखते हुए कब तक चलने के आसार हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि आज लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन था और लॉकडाउन 4 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनाउंसमेंट में ये बताया था कि लॉकडाउन 4 की सारी डिटेल आप तक शेयर कर दी जाएगी कि चौथा लॉकडाउन किस तरह का रहने वाला है। हालांकि उन्होंने ये बात साफ साफ बताया था कि कुछ रियायतें दी जाएंगी, जिसको देखकर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि रेलवे की तरह फ्लाइटों को भी चालू कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एयर इंडिया से ये खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें एयर इंडिया के इंटरनल एम्प्लॉयियों के बीच कुछ ईमेल कम्युनिकेशन हुआ था, जिसमें इस बात का पता लग रहा है कि फ्लाइटों के मई महीने में चालू होने की बहुत ही कम उम्मीद बची है। लेकिन इस न्यूज के आते ही एयर इंडिया ने ये क्लैरिफाई किया कि फ्लाइटों के चालू करने का डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास है और एयर इंडिया ने यह भी बोला है कि उसको जैसे ही फ्लाइटें शुरू करने का आदेश मिलेगा वैसे ही फ्लाइटें शुरू कर दी जाएंगी। फ्रेंड्स, ये थी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट जो कि एयर इंडिया, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और मीडिया के बीच चल रही खबरों को लेकर। फ्रेंड्स, इस मामले में अभी तक इतनी ही सूचना मिल पाई है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी फ्लाइटों को शुरू कर दे ताकि फंसे हुए लोग अपने घर वापस पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।